हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारों को रोजगार मिले, प्रदेश के जितने भी प्रोजेक्ट हैं वे क्रियान्वित हों, प्रदेश में क्वालिटी एजुकेशन बढ़े और किसानों को उनका हक मिले, इसके लिए वे हमेशा प्रयासरत रहेंगे। यह जानकारी भाजपा के राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने माता श्री नैना देवी के दरबार में दर्शन करने के उपरांत पत्रकारों को दी। राज्यसभा सांसद बनने के बाद सिकंदर कुमार पहली बार माता के दरबार में पहुंचे थे। स्थानीय पुजारी वर्ग के द्वारा विधि विधान के अनुसार पूजा अर्चना करवाई गई। मंदिर न्यास के द्वारा उन्हें माता की चुनरी और फोटो भेंट की गई। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि राज्यसभा सांसद बनने के उपरांत पहली बार माता के दरबार में पहुंचा हूं। बनने के बाद पहली बार मां नैना देवी के चरणों में आया हूं और माता से आज विनती की है कि जिस फील्ड में आप मुझे डाला है उसमें मुझे सामर्थ्य दे, शक्ति दे, उसमें कामयाबी दे। और माता रानी के चरणों से मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस देश पे पूरे ब्रह्मांड पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। और राज्यसभा सांसद बनने के बाद राजनीति मेरे लिए एक नई फील्ड है और मैं चाहूँगा कि सांसद बनने के बाद हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की जो भी प्रोजेक्ट्स हैं सेंटर में उनको जल्दी से जल्दी हम प्रदेश में उनको उनका क्रियान्वयन करवाएँ और रोजगार के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्रदेश में हों, क्वालिटी एजुकेशन देश में बढ़े, खेलों को बढ़ावा मिले, किसानों को उनका हक मिले, उसके लिए मेरे प्रयास रहेंगे। और प्रदेश एंस्टर न्यूज़ के लिए श्री नैना देवी से प्रदीप चंदेल की रिपोर्ट।